खास सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नगर संग्राम का। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। सभी पार्टी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं प्राइम टीवी की टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर रायबरेली पहुंची है, जहां डलमऊ नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पंडित बिरजेश दत्त गौड़ मौजूद हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी से जानेंगे कि क्या क्षेत्र के अहम मुद्दे हैं और अगर उन्हें जनता चुनकर भेजती है तो किन प्रमुख समस्याओं पर काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही क्षेत्र में कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है। तो हम अपने खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं बिरजेश दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिरजेश जी, आप अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम क्योंकि पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं नगर पंचायत दलमऊ के जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट देकर नगर पंचायत दलमऊ का प्रत्याशी बनाया जी। बिरजेश जी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। 1995 से मैं पहली बार चेयरमैन बना हुआ हूँ, तब से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है। मैं 3 बार दलमऊ नगर पंचायत का चेयरमैन रह चुका हूँ और इस बार पुनः प्रत्याशी नगर पंचायत दलमऊ का हूँ। और जनता में हमारी बहुत ही साफ छवि है, हम लोगों की मदद करते हैं, इस वजह से जनता बार बार हमको पसंद करती है। बिरजेश जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है और क्यों है? हमारे यहाँ मार्गदर्शक योगी जी और मोदी जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं जी। बिरजेश जी, आपके राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियां आई? अब राजनीति के सफर में बहुत सी चुनौतियां आई, कई चुनाव आए, हम लोग लड़े चुनाव, चुनाव जीते और जो क्षेत्र की समस्याएं थी उनको समाधान करने का प्रयास किया। बिरजेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी से नाता रखते हैं, कैसा अनुभव रहा अभी तक? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की बहुत बड़ी पार्टी है और उसी से हम नाता रखे हुए हैं, उसी के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। आप मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतरे हुए हैं, मैदान में और भी तमाम पार्टियां हैं, अपने कॉम्पिटिशन में किसे देख रहे हैं, प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? अब चुनाव चल रहा है, अभी ये नहीं निश्चित हो पा रहा है कि कौन हमारे कंपटीशन में खड़ा है जी। ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही अभी तक जी। बिरजेश जी, आप जनता के बीच जा रहे होंगे, उनकी समस्याओं को सुन रहे होंगे, अपनी बात कह रहे होंगे, तो कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है? जो कार्य पिछले अवशेष रह गए हैं जी, जो हमारी सरकार ने कराया उसके बाद जो काम रह गए हैं उनको भी मैं कराने का अगले वर्ष में पूरा प्रयास करूंगा। यही जनता से बात कर रहे हैं और यही उनकी समस्या का समाधान करेंगे। अभी कौन सी आपके नगर में समस्याएं हैं जो रह गई हैं, जिनको आप कराना चाहेंगे? कुछ समस्याएं हैं, सीवरेज प्लांट की समस्या है, कुछ सड़कों की समस्या है, गंगा नदी में शेष घाट बनाने की समस्या है, बस स्टाफ बनवाना, इस तरह की समस्याएं जो भी है उनका समाधान अगले वर्ष में करेंगे। जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर? जनता के बीच में हम विकास के एजेंडे से पूरे करके जा रहे हैं, क्योंकि योगी मोदी जी की सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है, हम भी उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आपके नगर में सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी है? हमारे संपूर्ण नगर में सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था अत्यंत सुंदर है। प्रधानमंत्री आवास करीब 1207 आवास बने हमारे यहाँ जी। पीएम स्वनिधि योजना में लगभग 200 लोगों को लाभ दिया गया और सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था निरंतर चला करती है जी। बिरजेश जी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कुछ समस्याएं हैं और अगर आपको जनता मौका देती है तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे? हमारे यहाँ एक महाविद्यालय की स्थापना कराया जाना है, सरकारी महाविद्यालय की। स्वास्थ्य में हमारे यहाँ सीएससी नगर क्षेत्र में स्थित है,
अच्छी व्यवस्था वहाँ पर है जी। महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए, महिलाओं को सम्मान हम लोग देते हैं और उनको सम्मान से देते रहेंगे, और बच्चों के लिए अच्छे पार्क, अच्छे स्कूल बनवाने का प्रयास करूंगा जी। तो बिरजे जी, आपको जनता का नेता कहा जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि कई बार जनता के बीच में हम रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो लोग हमको जनता का नेता नहीं बल्कि जनता का सेवक मानते हैं। जी। तो बिरजे जी, अगर आपको जनता मौका देती है तो अपने क्षेत्र में ऐसे कौन से बड़े 5 काम होंगे जिनको आप पहले कराना चाहेंगे? अब जी, जो कि नमामि गंगे घाट बने हैं उनमें कुछ घाट बाकी रह गए हैं, उनको बनवाने का प्रयास करूंगा, और जो प्रधानमंत्री आवास के काम रुके हुए हैं उनको कराने का प्रयास करूंगा, अगर मैं इंटरलॉकिंग की व्यवस्था कराऊंगा, पेयजल की व्यवस्था कराऊंगा, ये सब व्यवस्थाएं मैं कराऊंगा सर्वप्रथम। दोबारा आप अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है जनता का आपको कितना साथ मिलेगा? जनता का पूरा आशीर्वाद हमको मिल रहा है और जनता आशीर्वाद हमको दे रही है जी। आज की राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसी विकास की गाथा लिखेंगे? ये सरकार इस समय योगी जी और मोदी जी की है जी, और ये विकास के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उसी एजेंडे पे सरकार के माध्यम से हम भी काम करवाने का प्रयास करेंगे जी। बिरजे जी, देखा जाए तो आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो नालियों को लेकर है, गंदगी को लेकर है, जल भराव को लेकर है, तो उसको लेकर अभी क्या कुछ समस्याएं हैं आपके नगर में? अगर जनता आपको फिर से एक बार मौका देती है तो क्या कुछ काम करेंगे? हमारे यहाँ जल भराव की समस्या नहीं, क्योंकि गंगा के किनारे की नगर है, जल भराव की समस्या नहीं है। नालियों की समस्या जरूर कुछ है, उन समस्याओं का समाधान पद पर रहते हुए करूंगा। अभी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिसको आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की समस्या है, एक बड़ी योजना है लगभग 35 लाख की, उस पर कार्य चल रहा है, भविष्य में उसको कराया जाएगा। अच्छा, तो युवाओं के लिए अपने क्षेत्र में क्या कुछ अहम करना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए विकास की बात करूंगा, रोजगार का सृजन करवाऊंगा जी। अभी तक आपके क्षेत्र में बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं, और अगर नहीं है तो आगे क्या करना चाहेंगे उनके लिए? बच्चों के लिए खेलकूद के लिए पार्क बनवाएंगे अच्छे अच्छे, और अच्छे स्कूल बनवाएंगे जी। तो बिरजे जी, अभी आप जनता के बीच जाते होंगे, महिलाओं के बीच जाते होंगे, बुजुर्ग भी रहते होंगे, उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ मांग है? सब बुजुर्गों महिलाओं का आशीर्वाद हमारे साथ में है, वृद्धावस्था लगभग 100 पेंशन हमने बनवाई है नई, इसके अलावा भी पहले से पेंशन बनी हुई है, तो जो वृद्ध लोग हैं वो उनको पेंशन दिलाने का काम हमने किया है। अच्छा, तो बिरजे जी, देखा जाए कि अब की मैदान में तमाम पार्टियां उतरी हुई हैं, कोई भी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, आप भारतीय जनता पार्टी से उतरे हुए हैं, तो क्या इस चुनाव को आप चुनौती के रूप में देख रहे हैं? भाई चुनाव तो चुनौती होते है, चुनाव हम लोग जीत रहे हैं जी। तो कितना आप अपने लिए इसे चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? चुनाव तो चुनौती है ही है, चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, हमारे समर्थक दौड़ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। किस पार्टी को आप चुनौती के रूप में देख रहे हैं? अभी हम ये निश्चित नहीं कौन पार्टी हमसे चुनाव लड़ेगी जी। तो बिरजे जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मीडिया हमारे लिए सदैव हमारी मदद करती रही है, और सदैव हम लोग मीडिया के साथ रहे हैं, करते रहेंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से ये कहना चाहेंगे कि जनता हमको आशीर्वाद दे और चेयरमैन बनाओ। अगर देखा जाए बिरजे जी, तो कोरोना जैसी महामारी आई थी, और देखा जाए अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको जनता चुन कर भेजती है तो इसको लेकर क्या कुछ अहम करेंगे? जब कोरोना काल था उस समय हम लोगों ने बहुत काम किए, और आगे भी जो भी समस्याएं हैं सफाई वफाई के लेकर के, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि कोरोना काल में आपने बहुत कुछ काम किया, तो क्या कुछ आपने काम किया, क्या लगता है जो आपने काम किया उसको मुकाबले आपको जनता समर्थन देगी? उस समय लोगों की मदद किया, किचन चलवाए, किचन चले, लोगों को भोजन करवाया, और जो व्यवस्था स्वास्थ्य संबंधी हो सकती थी हम लोगों ने किया और सबका सहयोग दिया जी। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे बिरजे जी?
दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि हम सब सभी लोग हमको सहयोग करें और चुनाव जिताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो नगर संग्राम में आज मुलाकात हुई पंडित बिरजेश दत्त गौड़ से, जो रायबरेली के डलमऊ नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, जिन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर जनता मौका देती है तो वो बेहतरीन काम करेंगे। फिलहाल अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।